हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया इंडिया गठबंधन की बैठक में, जिस पर बेनीवाल बोले हमें छोटा दल बताकर नहीं बुलाया। बेनीवाल ने इसे अपना अपमान बताया, बोले पीसीसी चीफ या कांग्रेस के दूसरे नेता यहां तक नहीं बोले कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत में हनुमान बेनीवाल का बड़ा योगदान है, लेकिन फिर भी मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस बार राजस्थान में बीजेपी 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वहीं अब इस बीच कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान सामने आया, जिसमें वो अपनी ही पार्टी को कोसते नजर आए। झाबर सिंह खर्रा बोले कि 400 पार के नारे को लेकर विपक्ष ने भ्रम फैलाया और हम उसे दूर नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने टिकट वितरण में गलतियों और किसानों के मुद्दे को हार का कारण बताया। पार्टी की हार स्वीकार करते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आगे कहा कि आत्मचिंतन का समय है और हार के कारणों पर केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा। वहीं मंत्री कोलाल मीना के इस्तीफे वाले बयान को लेकर बोले। खर्रा ने कहा कि कोशिश रहेगी कि कोलाल मीना मंत्रिमंडल में बने रहें। भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर पहली बार सांसद बने राजकुमार रो दिल्ली जाएंगे और फिर इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि भारत आदिवासी पार्टी किस गठबंधन के साथ जाएगी। यह चर्चा महज एक अफवाह है, क्योंकि राजकुमार रोथ ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस दावे को अफवाह बताया। शुक्रवार को बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में हमारा एनडीए में सम्मिलित होने की झूठी अफवाह फैलाकर विरोधी खुश हो रहे हैं, इन अफवाहों से बचें। बीएपी विपक्ष के साथ स्वतंत्र रहकर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र की हकों की लड़ाई लड़ेगी। झलावाड़ के काली सिंह थर्मल पावर प्लांट का बॉयलर फटने की सूचना मिलने से आज जिला प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी और आपदा राहत टीम ने मौके पर पहुंची। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों को अन्य आपदा राहत टीमों को जब पता चला कि थर्मल प्रबंधन द्वारा भेजी गई बड़े हादसे की सूचना केवल एक मॉक ड्रिल है, तब जाकर कई प्रशासन ने राहत की सांस ली। मॉक ड्रिल की इस घटना के दौरान झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर खुद मौके पर मौजूद रही। भीषण गर्मी और हर साल बढ़ते तापमान से बचाव के लिए अब समाजसेवी संस्थाएं नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। इस कड़ी में आज दाईगल फाउंडेशन ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर नागरिकों को पौधे बांटे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर कानाराम ने नागरिकों को पौधे बांट कर की और कहा कि नागरिक पौधारोपण के साथ ही इन पौधों का सरसंवल भी करें, ताकि आने वाले समय में पर्यावरण अनुकूल रहे। सुनिए दाईगल फाउंडेशन अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने क्या कुछ कहा। आज दाईगल फाउंडेशन की तरफ से हमारी जो टैगलाइन है पौधों का लंगर, ये सेवा लगाई गई है, जिसकी शुरुआत हमने जिला कलेक्टर मुख्यालय से की है और इसकी शुरुआत हमारे कलेक्टर साहब ने की है। जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी के सब बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिसके कारण जल का स्तर भी बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि दिन प्रतिदिन एसी बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है, लेकिन पौधों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज हमने इसकी शुरुआत की है। वैसे तो हम हर साल पेड़ लगाते हैं और आज हमने इसकी शुरुआत की कि आने जाने वाले जो भी राहगीर हैं उन सबको एक एक पेड़ निःशुल्क बांटा जाएगा और सबको यह भी कहा है कि इनकी जिम्मेवारी भी लें कि इनकी सार संभाल रखी जाए और समय समय पर इन्हें पानी दें। संसद भवन परिसर में फर्जी आधार कार्ड बनाकर घुसने की कोशिश कर रहे 3 मजदूरों को सीआईएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कथित तौर पर जाली आधार कार्ड का उपयोग करके हाई सिक्योरिटी वाले संसद परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 3 मजदूरों को सीआईएसएफ कर्मियों ने पकड़ लिया। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुए वाक्य के बाद हंगामा मचा हुआ है। दरअसल 6 जून को कंगना रनौत दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी, तभी सिक्योरिटी चेक के बाद सीआईएसएफ की एक महिला जवान पुरविंदर कौर ने उनको थप्पड़ मार दिया। हालांकि सीआईएसएफ की एक महिला कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव एक्शन में आ गए। वो राज्यसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में पाला बदलने वाले विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। सभा में पाला बदलने वाले विधायकों की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में यूपी विधानसभा अध्यक्ष को जल्द ही पत्र भेजा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकारी नौकरियों के खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए। सीएम ने कहा कि जिन भी विभागों की रिक्तियां हैं और नियुक्ति की जानी है वहां से तत्काल रिक्तियां चयन आयोग को भेजा जाए।
रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले मामले में सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को करेगा। लैंड कोर्ट जॉब घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सब फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।